तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मजे में होंगे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि मैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके अंदर पोएट्री, ड्रामा और स्पेशली फिक्शन, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसको मैंने पिछली वाली वीडियो जो मैंने बहुत लॉन्ग वीडियो बनाई वो आप सभी को बहुत पसंद आई, तो दोस्तों उसी की तरह बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये वीडियो उतनी लंबी नहीं है क्योंकि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इतना पुराना नहीं है, लगभग 100-150 साल का इतिहास है इसका, तो उस सब को मैं डिस्कस करूंगा। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को इंडो एंग्लियन लिटरेचर भी बोलते हैं। ये एक टर्म है जो इंडियन राइटर्स के लिए यूज़ की जाती है। वो इंडियन राइटर्स जो इंग्लिश में लिखते हैं उनको कहा जाता है इंडो एंग्लियन राइटर्स, यानी जो भी इंडियन राइटर इंग्लिश में अपनी ओरिजिनल क्रिएशन को लिखता है उसको कहा जाता है इंडो एंग्लियन राइटर। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर की तरह कोई पीरियड वाइज नहीं बताने वाला इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री, क्योंकि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री इतनी पुरानी तो नहीं है, लगभग 150-200 साल पुरानी है। अब ध्यान देना, द ट्रैवल्स ऑफ डीन मोहम्मद ये पहली बुक थी जिसे पहली बार किसी इंडियन ने इंग्लिश में लिखा था। डीन मोहम्मद ने इसको लिखा था और इंग्लैंड में इसको पब्लिश करवाया था। और पहली इंडियन नोवेल जिसे इंग्लिश में लिखा गया वो थी राजमोहन वाइफ, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों, इसको पब्लिश करवाया था 1864 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फिर किसारी मोहन गांगुली, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने इनका नाम सुना होगा, ये वो थे। इनको क्रेडिट दिया जाता है महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था इन्होंने महाभारत को। ये कमाल का काम किया था इन्होंने, किसारी मोहन गांगुली, इनका नाम याद रखना। फिर इनके बाद राजा राव, रविंद्रनाथ टैगोर, धन गोपाल मुखर्जी, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, ऐसे बहुत सारे इंडो एंग्लियन राइटर्स जिन्होंने अपने फिक्शंस, नॉवेल्स और प्लेज वगैरह लिखे। लेकिन दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा इंडियन पोएट्री की। शुरुआत मैं इंडियन पोएट्री से करूँगा, उसके बाद आपको ड्रामा के बारे में बताऊँगा और इंडियन फिक्शन के बारे में सबसे लास्ट में बताऊँगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ राजा राम मोहन राय से। भले ही दोस्तों ये डायरेक्टली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े ना रहे हों, लेकिन इनको पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इनको फादर ऑफ बंगाल रनेसा कहा जाता है। याद रखना, फादर ऑफ बंगाल रनेसा किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में आप में से बहुत सारे पॉलिटिकल के स्टूडेंट्स से पढ़ा होगा। ये कंपनी की सर्विस में लगे हुए थे, अंग्रेज़ों की कंपनी की सर्विस में लगे हुए थे, लेकिन इन्होंने वो नौकरी छोड़ी और कलकत्ता आकर आत्मीय सभा को शुरू किया और फिर एक वीकली पेपर को शुरू किया जिसका नाम था संवाद कौमुदी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्मो समाज। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने अपने कुछ एसेज लिखे और हिंदू कॉलेज के फाउंडर भी थे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के फाउंडर भी थे ये दोस्तों। अब दोस्तों, इनके बाद आते हैं हेनरी लुइस डेरोजियो। ये दोस्तों हिंदू कॉलेज में एक लेक्चरर थे। इनके फादर एक पुर्तगाली थे, इंडो पुर्तगाली थे, और माँ एक ब्रिटिश थी। तो ये एक इंडियन बॉर्न पोएट थे, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों, इनका पोएट्रिक करियर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इन्होंने जितनी भी अपनी पोएट्री लिखी उसमें से 2 वॉल्यूम्स को इन्होंने पब्लिश करवाया था, बहुत ही फेमस है। उन वॉल्यूम्स के नाम हैं द फ़कीर ऑफ जंघीरा और मैट्रिकल टेल एंड अदर पोएम्स। और इन्होंने ब्रिटिश रोमांटिक पोएट से इन्फ्लुएंस होकर अपनी सोनेट्स पे लिखी थी और कुछ पैट्रियोटिक वर्क्स भी इन्होंने लिखे। इनके बाद दोस्तों रोमेश चंद्रदत्त, ये पहले बंगाली लैंग्वेज में नॉवेल्स लिखा करते थे, बाद में इन्होंने हिस्टोरिकल वर्क्स जैसे वेदों पर, ग्रंथों पर काम किया, खास करके ऋग्वेद। और इन्होंने रामायण और महाभारत को भी ट्रांसलेट किया था दोस्तों। इनके बाद श्री अरोबिंदो। इनका पोएट्रिक करियर दोस्तों बहुत ही लंबा है। ये रिलीजियस टाइप की पोएट्री लिखते थे जिसको बोलते थे नारायण दर्शन। इन्होंने अपने करियर में लिरिकल, नैरेटिव, फिलोसॉफिकल और एपिक टाइप की पोएम्स लिखी है और इनका सबसे फेमस वर्क है सावित्री। इनके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको महात्मा गांधी बोलते थे द ग्रेट सेंटिनल। ये अपनी एज के ऐसे लेजेंड थे जिनको बहुत सारी क्वालिटीज़ मिली हुई थी, जैसे ये एक पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कंपोजर थे, पेंटर थे, थिंकर थे, एजुकेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट थे और इंटरनेशनलिस्ट थे। लेकिन 1912 से पहले तक ये अपने सारे वर्क्स बंगाली में लिखते थे। फिर इनके वर्क्स WB Yeats के हाथ में लगे, उसी वक्त इन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया और इनका पहला प्रयास बहुत ही सफल रहा। 1913 में इनको
इस प्रयास के लिए नोबल प्राइज़ मिला गीतांजलि इनकी बुक ऑफ सॉन्ग्स गीतांजलि के लिए। यीट्स ने दोस्तों इनको नोबल प्राइज़ के लिए रिकमेंड किया था। इसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने की वैल्यू समझ में आई। तो ये जो मैंने आपको कुछ पोइट्स के नाम बताए जिन्होंने इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में जो पोइट्री लिखी जाती थी उसका इवोल्यूशन किया, इनके बाद वो कुछ पोइट्स जो अपने पोइट्री को नेचर पर लिखा करते थे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा सरोजिनी नायडू के बारे में। इनकी मदर एक बंगाली पोइट थी और आगे चलकर ये इंग्लिश रोमांटिक पोइट से बड़ा प्रभावित हुई सरोजिनी नायडू, जैसे जॉन कीट्स और लॉर्ड बैरन। और ये बात सच है कि महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू को मिकी माउस बोलते थे और सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेचर पर तो दोस्तों केकी एन दारूवाला ने भी बहुत कुछ लिखा है, जो कि अपने प्रोफेशन से एक पुलिस ऑफिसर थे और इन्होंने अपनी 12 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री को पब्लिश करवाया। इनके बाद दोस्तों तोरुदत्त, ये नाम बहुत ही ज़रूरी है। ये अपनी बहन के साथ इन्होंने स्कूलिंग की थी फ्रांस से और ये फ्रेंच लैंग्वेज को अपनी मदर टंग मानती थी। इन्होंने इवन अपनी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री को भी फ्रेंच में ही लिखा था। हालांकि 1977 में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ दी। इंडो एंग्लियन लिटरेचर में ये एक ऐसी पोइट थी जिनको दोस्तों जॉन कीट्स से कंपेयर किया जाता है और कहा जाता है कि इनका टैलेंट कीट्स के लेवल का था और डेथ भी कीट्स की तरह ही इनकी हुई थी, बहुत ही कम उम्र में ट्यूबरक्लोसिस से ही। तो ये कुछ पोइट्स थे जिन्होंने नेचर को ट्रीट किया दोस्तों। इनके बाद आता है इंडो एंग्लियन लिटरेचर में फेमिनिज्म और फीमेल इमेजिनेशन, जैसे यूनिस डिसोजा, ये सेंट जेवियर्स कॉलेज में इंग्लिश की टीचर थी मुंबई में और ये अपनी पोएम्स में फीमेल क्वेश्चंस किया करती थी। कुल मिलाकर इन्होंने फेमिनिज्म पर लिखा। और फिर कमला दास दोस्तों, जो कि मलयालम और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा करती थी, इनको पहचान मिली थी 1963 में पैन एशियन पोइट्री प्राइज़ मिलने के बाद। और दोस्तों फेमिनिज्म पर तो इन्होंने भी लिखा, लेकिन ये अपनी पोइट्री में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को शामिल करती थी, यानी कि खुद पर लिखा करती थी। इनके बारे में कुछ ज़्यादा बताऊँ तो 1985 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था और 65 की एज में जाकर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये कमला सुरैया बन गई थी। फेमिनिज्म की अगर बात करूँ दोस्तों तो एक पाकिस्तानी बॉर्न पोइट हैं इस वक्त, इम्तियाज़ ड्रकर, जो कि एक स्कॉटिश मुस्लिम है और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और एक आर्टिस्ट भी हैं, और इनको क्वीन गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। तो ये राइटर्स ऐसी थीं जिन्होंने फीमेल इमेजिनेशन और फेमिनिज्म पर लिखा। इसके बाद दोस्तों इंडो एंग्लियन पोइट्री के अंदर मेमोरी और वॉइस की बात करूं, मेमोरी और वॉइस पर पोइट्री लिखने में एके रामानुजन, इनकी पोइट्री फिलोसॉफिकल होती थी। इनको 1976 में पद्मश्री मिला और इन्होंने शिकागो में पढ़ाया भी है। इनके अलावा दोस्तों कश्मीरी अमेरिकन पोइट आगा शाहिद अली, इनका नाम याद रखना क्योंकि ये इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ये इंग्लिश में गज़ल लिखा करते थे। 2001 में इनको नेशनल बुक अवार्ड मिला था और इन्होंने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पर भी लिखा है दोस्तों। और फिर जयंत महापात्र, जयंत महापात्र दोस्तों एक फिज़िक्स के टीचर थे, फिज़िक्स पढ़ाते थे और बहुत लेट जाकर इन्होंने राइटिंग का करियर शुरू किया था। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। ये वो पोइट्स हैं जिन्होंने मेमोरी और वॉइस पर लिखा। दोस्तों इनमें कुछ पोइट्स ऐसे भी थे जो हिस्ट्री, नेशन और पॉलिटिक्स पर लिखा करते थे, जैसे आदिल जस्सावाला, ये एक पारसी हैं दोस्तों, पोइट होने के साथ साथ एक क्रिटिक भी हैं। इनके फेमस वर्क्स हैं सी ब्रीज बॉम्बे, इसमें इन्होंने रेफ्यूजीज़ की सफरिंग्स को दिखाया है। इनके अलावा दोस्तों नेशन और पॉलिटिक्स पर जयंत महापात्र और सरोजिनी नायडू ने भी बहुत कुछ लिखा है। ये सब थे, ये पोइट्स थे नेशन, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पर लिखने वाले। इनके बाद मैं बात करूं इंडो एंग्लियन लिटरेचर में मिसलेनियस थीम्स की, यानी कि ऐसे पोइट्स जिनकी थीम्स में कुछ वैरायटीज़ थी, मिक्सचर थी जिनकी थीम्स, जिसमें शामिल हैं अरुण बालकृष्ण कोलटकर, नज़म इज़िकिल और जयंत महापात्र। ये वो पोइट्स हैं जिन्होंने अपनी पोएम्स में मिक्स वैरायटीज़ रखी। तो ये थे इंडो एंग्लियन लिटरेचर के कुछ पोइट, कुछ फेमस पोइट्स। अब मैं बात करता हूँ ड्रामा की, यानी इंडियन थिएटर इन इंग्लिश।
थिएटर में, ड्रामा में तो हम बहुत पुराने हैं, इंडिया में बहुत पहले से है थिएटर, वेदों और उपनिषदों के टाइम से। जैसे वेस्टर्न ड्रामेटिक थ्योरी एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स को माना जाता है, एरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स है उसको वेस्टर्न ड्रामेटिक थ्योरी माना जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ पर माना जाता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, एक पांचवा वेद माना जाता है इसको, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडियन ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ इंडियन ड्रामा, जिसमें सबसे बड़ा नाम है दोस्तों गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, अभिषेक मजूमदार, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो और दीना मेहता और दोस्तों विजय तेंदुलकर, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं इंडियन इंग्लिश ड्रामा में। वैसे मैंने आपको बताया कि ड्रामा तो इंडिया में तब से परफॉर्म किया जा रहा है जब अंग्रेज़ों को अपना अस्तित्व तक नहीं पता था कि हम क्या हैं। लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद 18th सेंचुरी में इंडिया में इंग्लिश ड्रामा इस्टेब्लिश हुआ और इंडिया में इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत की थी कृष्ण मोहन बनर्जी ने अपना वर्क द परसिक्यूटेड लिखकर। लेकिन फिर भी दोस्तों माइकल मधुसूदन दत्त ने, इनका बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने इंडियन इंग्लिश ड्रामा की जर्नी को शुरू किया। श्री अरविंदो भी दोस्तों एक प्लेराइट थे और नजीम इज़िकिल ने भी 3 प्लेज लिखे हैं और बादल सरकार, दोस्तों ये कुछ बड़े बड़े नाम थे इंडियन ड्रामा के। दोस्तों इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद इंडियन पोएट्री इंडियन ड्रामा से, इंडियन इंग्लिश ड्रामा से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया इंडियन ड्रामा के बारे में, इंडियन इंग्लिश ड्रामा के बारे में। अब मैं बताता हूँ आपको इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, यानी कि ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, इसमें नोवेल्स वगैरह आती है, जिसमें हर राइटर का लिखने का अपना एक अलग स्टाइल था। जैसे मुल्कराज आनंद, जो कि सोशल रियलिज्म, कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी पर लिखते थे, ये आप उनकी नोवेल अनटचेबल में देख सकते हो। फ्रेंड्स, मुल्कराज आनंद वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर ऑफ हिज टाइम। राजा राव, जो कि नेशनलिज्म और रेजिस्टेंस पर फिक्शंस बहुत अच्छा लिखते थे, ये चीज़ उनके वर्क कंठापुरा में आप देख सकते हो, जो कि इनकी फर्स्ट नोवेल थी। पॉलिटिकल फ्रीडम और मॉडर्निटी पर अच्छा फिक्शन लिखते थे रविंद्रनाथ टैगोर। जैसे इनका एक वर्क है गोरा, वो बहुत ही फेमस नोवेल है दोस्तों, उसमें आप देख सकते हो। डे टू डे सिंपल राइटिंग में आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों मिथ और बर्डन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि मैजिकल रियलिज्म में अच्छा लिखा है सलमान रशीदी ने अपनी नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन को। इनके अलावा सोशल ऑर्डर और लॉ और वुमेन क्वेश्चन पर अरुंधति रॉय की नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एनवायरमेंटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन पर अमिताभ घोष की नोवेल द हंग्री टाइड। ये थे इंडो इंग्लियन राइटर्स में कुछ फेमस फिक्शन राइटर्स। और दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे राइटर्स भी हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखकर बहुत ही फेमस राइटिंग्स इंग्लिश लिटरेचर को दी है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को दी है, जिनको हम बोलते हैं लाइफ राइटिंग्स, ऑटोबायोग्राफीज जो कहते हैं हम। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विट्रो, जवाहरलाल नेहरू के लेटर्स जो उन्होंने अपनी डॉटर इंदिरा गांधी को लिखे थे, और कुछ ऐसे ही लेटर्स सरोजिनी नायडू ने भी लिखे थे। बॉडी सेक्सुअलिटी पर कमला दास ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी को लिखा। आर के नारायण ने भी अपने वर्क माई डेज को लिखा। और नीरज सिंह चौधरी, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये मैंने आपको कुछ ओवरव्यू दिया, हो सकता है ये वीडियो आपके कुछ काम आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।